संस्कारधानी राजनांदगांव एक बार फिर खून से लाल हुई है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बाद अब बीती रात गांधी चौक में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें गांधी चौक के रहने वाले सचिन डोंगे को पीठ में चाकू पड़ा, जिसकी स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार चाकू मारने वाले युवक कौरीन भाटा बसंतपुर के बताए जा रहे हैं और वह सब नशे में थे। किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद सचिन पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है, जिसमें कुछ नाबालिग हैं। पुलिस छानबीन कर रही है। जैसे कि अब कल गांधी चौक में हुआ, कुछ हफ्ता 10 दिन पहले वहां महारानी स्कूल के पास हुआ है, उसके बाद ये यहाँ हुआ है रेलवे फाटक के पास। ऐसे क्राइम तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस उसको ध्यान नहीं दे पा रही है। पुलिस को लोग डरते नहीं है, देखते हैं कि डग्गा आ रही है, गाड़ी आ रही है, चले जाएगा, क्या करेगा, भय खत्म हो गई है। ये अपनी शक्ति से नहीं बता पा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ने के कारण अब लोगों में ये डर रहता है कि कोई कुछ बोलेगा तो जवाब ना दूं, वो चाकू निकाल देगा या मार देगा, क्योंकि अब भी 18-19 साल 22 साल के बच्चे लोग सब नशे में रहते हैं, टेन खाए रहते हैं, दारू पिए रहते हैं, गांजा पिए रहते हैं, गार्डनों में गार्डन पीते बैठे रहते हैं, नशा करते बैठे रहते हैं। इसमें प्रशासन की किसी प्रकार की दबाव नहीं है भाई। रात को 11:30 बजे थाना कोतवाली को सूचना मिला था कि एक सन्नी डोंगे नाम का व्यक्ति है, जिसके साथ गांधी चौक में कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा मारपीट किया गया है धारदार हथियार से। तत्काल पुलिस पहुंची और उसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भेजे थे पेंट्री में, और उसके बाद त्वरित एक्शन करते हुए 3 संदिग्धों का भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है और जो घटना में शामिल होना बता रहे हैं और जिस संबंध में विवेचना जारी है।